अपने प्लांट्स के ऊपर जो जो इंसेक्ट्स का अटैक होता है उनमें से कॉमन ये व्हाइट कलर का इंसेक्ट है। इसको मिलीबग कहते हैं और खास तरीके से हिबिस्कस के पौधे के ऊपर इस मिलीबग का अटैक कुछ ज़्यादा ही होता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुरोजीत और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। आज हम बात करेंगे बिल्कुल होममेड तरीके से आप इन मिलीबग को बस 5 मिनट में किस तरीके से क्योर कर सकते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मिलीबग के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। मिलीबग बहुत ही छोटे साइज का एक इंसेक्ट होता है जो अपने पौधे के साथ चिपक के रहते हैं और पौधे से रस चूसता रहता है और अपना पौधा धीरे धीरे मरता रहता है। इसके अलावा मिलीबग के ऊपर एक व्हाइट कलर का मोम जैसा लेयर होता है जिसके कारण मिलीबग के ऊपर पानी नहीं चिपकता और इसी कारण से बहुत सारे इंसेक्टिसाइड यूज करने के बाद भी मिलीबग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके अलावा आपने नोटिस किया होगा अगर आपके प्लांट में मिलीबग का अटैक हो रहा हो तो वहाँ पर बहुत सारे एंट्स भी आते होंगे। कुछ लोग समझते हैं मिलीबग को खाने के लिए वो एंट्स आते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिलीबग के अंदर से एक बहुत ही मीठा लिक्विड निकलता है जिसको हनीड्यू कहते हैं। उस हनीड्यू को खाने के लिए एंट्स वहाँ पर आते हैं और एंट्स मिलीबग के अंडे या फिर छोटे छोटे मिलीबग के बच्चे एक पौधे से दूसरे पौधे पर ट्रांसफर करते हैं और आपका पूरा गार्डन ही मिलीबग से भर उठता है। अब हम बात करते हैं मिलीबग को कंट्रोल करने के बारे में। मिलीबग को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 रुपया का एक शैम्पू का पैकेट लिया है। आप कोई भी शैम्पू यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस शैम्पू के पैकेट को खोल लेते हैं और इसका थोड़ा सा निकाल लेते हैं। अब हम एक टूथब्रश लेंगे और टूथब्रश में थोड़ा सा शैम्पू लगाएंगे और इसको शैम्पू के साथ लगाने के बाद हम पौधे के उस इफेक्टेड ब्रांच में कुछ इस तरीके से घिसेंगे। थोड़ा सा घिसने से ही आप देखेंगे कि मिलीबग वहां से हटने लगा है, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से घिस घिस के हमने पौधे के सभी इन्फेक्टेड ब्रांच या फिर पत्तों से मिलीबग को कुछ इस तरीके से हटा देंगे। अब हम एक स्प्रेयर लेंगे और स्प्रेयर में 1 लीटर पानी ले लेंगे। उसके बाद हमारा जो भी शैम्पू बचा है उसको इस 1 लीटर पानी में डाल देंगे। 1 लीटर पानी के लिए हम करीब 4 से 5 ml शैम्पू यूज करेंगे। शैम्पू डालने के बाद हम इस शैम्पू को पानी के साथ अच्छी तरीके से मिला देंगे। अब हम अपने पौधे में कुछ इस तरीके से स्पीड से पानी स्प्रे करेंगे और पूरे पौधे को कुछ इस तरीके से गीला कर देंगे। आप पौधे में पत्तियों के ऊपर और पत्तियों के नीचे स्प्रे करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ब्रांच के साथ साथ पत्तियों के नीचे, पत्तियों के ऊपर और पूरे प्लांट्स में अच्छी तरीके से स्प्रे कीजिए और पानी का शावर कुछ इस तरीके से ही स्पीड में स्प्रे कीजिए। अगले दिन आप पौधे को पानी से अच्छी तरीके से नहला दीजिए और आप नोटिस करेंगे अपने पौधे से सभी मिलीबग्स अब खत्म हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आप आपके गार्डन में
हर 15 से 20 दिन में एक बार नीम ऑयल स्प्रे करेंगे तो आपके गार्डन में ये सभी इंसेक्ट्स का अटैक होगा ही नहीं। नीम ऑयल के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, यहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यही था आज का वीडियो, मिलीबग्स को आप बहुत ही सिंपल तरीके से किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं इसके बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।